अग्निकांड पीड़ित दुकानदारों को मंत्री कोटा से मिला 1,90,000। गढ़वा शहर में पिछले 3 दिनों में अगलगी की हुई 2 घटनाओं में पीड़ित दुकानदारों को गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने मंत्री कोटा से 1,90,000 रुपए सहायता राशि प्रदान किया है। साथ ही मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने SP अंजनी कुमार झा को स्पेशल टीम गठित कर जांच का आदेश दिया है। शहर के करदेवी मोड़ पर ट्रांसफार्मर में आग लगने से जले 4 दुकानदारों शर्मिला देवी चाय दुकान, मोनू कुमार मालाकार फूल दुकान, प्रिंस केसरी शीशा दुकान एवं मोहम्मद अमीनुद्दीन खान पान दुकानदार को 25,000 रुपए तथा चौधराना बाजार सब्जी मार्केट में हुई अगलगी की घटना में पीड़ित सब्जी दुकानदार अशोक मेहता, मुन्नू मेहता, ओम प्रकाश प्रजापति, अवधेश महतो, सोनू कुमार, अवधेश राम, उषा देवी, राम आशीष कुशवाहा तथा मोती चंद महतो को 10,000 रुपए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने मंत्री कोटा से प्रदान किया। साथ ही सभी तत्काल दुकान लगाने के लिए मंत्री ने त्रिपाल प्रदान किया है। इन सभी दुकानदारों को नगर परिषद की ओर से निर्मित अस्थायी दुकान देने का मंत्री ने आश्वासन दिया। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि अब तक इन सब्जी दुकानदारों में 6 बार अगलगी की घटना घटित हो चुकी है। यह बहुत ही निंदनीय घटना है, इस साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। मंत्री ने तत्काल SP अंजनी कुमार झा को विशेष टीम गठित कर घटना के जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी इस घटना में शामिल होगा सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि दुकानदारों के साथ अगलगी की बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। इस विकट परिस्थिति में वे पीड़ित दुकानदारों के साथ हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मौके पर झामो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, विधायक प्रतिनिधि कंचन कुमार साहू, आशुतोष पांडे, नवीन तिवारी, पूरन तिवारी, उपेंद्र कुमार आदि लोग काफी संख्या में मौजूद थे।